राम तुम्हारो आश्रो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरण एक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आश्रो, राम तुम्हारो ज्ञान। राम गरीब निवाज का बिड़द गरीब निवाज, दीन होए सुमिरन करे जाका सरी है काज, जाका सरी है काज काल का झगड़ा छूटे, राम नाम लिव लाए भ्रम का भांडा फूटे, राम चरण यह राम नाम जग में बड़ी जहाज, राम गरीब निवाज का बिड़द गरीब निवाज। ध्येयम् सदा परिभवग्नम् अविष्ट दोहम्, तीर्थास्पदम् शिव विरंचिनोतम् शरण्यम्, बृहत्यारतिहम् प्रणत पाल भवद्विपोतम्, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। अखिल दुरितपुञ्जम् धनसनम् देहभाजाम्, भवजलनिधिपोतम् पावनम् पावनानाम्, परम पुरुष धामम प्रापकम स्वाश्रितानाम, श्री राम चरण चरणौ सततम नमामि। परमानंद कंद दयालु कृपालु, राम सच्चिदानंद के पावन श्री चरणों में प्रणाम। तदनंतर आराध्य देव इष्ट देव शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक रामस्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री हरिराम दास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज एवं कबीर साहेब एवं दादू जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय परमादरणीय हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के वरिष्ठ और रामस्नेही संप्रदाय के सरल और बड़े ही सहज मनीषी ज्योतिषाचार्य और बड़े अद्भुत विभूति के रूप में परम श्रद्धेय श्री राम प्रसाद जी महाराज, हमारे प्रेमदास जी महाराज, राजेंद्र दास जी, श्री राम रसायन जी, चूकाबाई, श्यामाबाई और भी अन्य अन्य संत लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, निर्लेप राम जी, बजरंग जी, सामने सुख जी आर्या है और हीरा दास जी जारिया है, सबने राम जी राम प्रणाम। भाग्यशाली हुए और जिसके अंतकरण में संतों की वाणी के प्रति और सत्संग के प्रति जहां प्रेम होता है वहीं संतों की बारिश होती है। तो आज ये संतों का ये आनंद, ये जमघट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, ये कई जन्मों के संचित पुण्यों का फल है। बहुत समय से प्रकाश जी के मन में मारे संत आवे, संत आवे, संत आवे, माता जी को भी बहुत भाव, पूर्ण रूप से संतों के प्रति समर्पित थे और बड़ा ही जो है समर्पित भाव था परम श्रद्धेय श्री राम प्रसाद जी महाराज, जो हम सबके वयोवृद्ध है, ज्ञानवृद्ध है, इनके उपदेशक और उस राम नाम की साधना विधि को पाकर संत वाणी से वास्तव में माता जी को बहुत लगाव था और बहुत प्रेम था। और यहां मैं सबको देख रहा हूं,
न तो आप लोग ज्ञान को महत्व देते हो, न कर्म को महत्व देते हो, न किसी अन्य अनुष्ठान को महत्व देते हो। और यहां यदि कोई है जो सकल शास्त्रों में निष्णात, जो सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन है, सर्वोपरि जो साधन है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, उस राम नाम की उपासना के प्रति आप लोगों की निष्ठा देखकर मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत आनंदित हूं। ये साधन सर्वोपरि साधन है। अभी अभी मैं रस्ते में आ रहा था तो इसमें एक संदेश आया है, मैंने आलून संदेश तो भी पूर्व पत्तो नहीं है, उसमें एक शब्द आया राम नाम साचो धर्म और धर्म सब कूर, भगवान दास ताते सदा भजन करो भरपूर। नए साल का प्रणाम गुरुजी। ये संदेश आया भी रस्ते चलते। संत महापुरुषों की एक ही बात है, महापुरुषों ने और कोई अनुष्ठान को नहीं पकड़ा, महापुरुषों ने कोई भी रास्ते को नहीं चुना, केवल एक रास्ते को चुना और वह है राम भजन। राम भजन से बढ़कर कोई साधन नहीं है, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने उसी बात को प्रतिपादित किया और हमको भी उसी को ही प्रतिपादित करना है, क्योंकि यही सबसे सरल है और यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। राम नाम समतत्व और कहूं दिसे नहीं, श्रुति स्मृति में खोज या संत नहीं माई। संतों ने मंथन किया और मंथन करके इसमें से निकाला, तो निकाला तो क्या निकला, राम का नाम निकला। देखो मैं एक भागवत का एक प्रसंग सुनाता हूं। समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहले निकला जहर, जहर निकला। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जहर को लेकर सबसे पहले कहां गए, नहीं हो कटे गया शिवजी रे, शिवजी रे पचे गया, सबसे पहले विष्णु भगवान के पास में गए, क्योंकि ये जो कार्य समुद्र मंथन का हो रहा था वो समुद्र मंथन किसके नेतृत्व में हो रहा था, भगवान विष्णु के नेतृत्व में। भगवान विष्णु के नेतृत्व में समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहले निकला जहर। निकलना क्या चाहिए था, बोलो, अमृत निकलना चाहिए था, और निकल क्या गया। अब क्या हुआ, सब घबरा गए और सब घबरा करके सीधे भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा है, मेरी अब बात सुनना ध्यान पूर्वक, राम राम जपने वालों ध्यान से सुनना, कि इस जहर को पचाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है। इस जहर को पचाने की सामर्थ्यता आज पता पड़ेगा कि जहर महत्वपूर्ण है या अमृत महत्वपूर्ण है। क्या जहर अमृतपूर्ण है या अमृत है, आज पता चलेगा। क्योंकि एक बार पहले भी समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में अमृत निकला और उस अमृत को केवल केवल अकेले अकेले भगवान शंकर ने ही पिया। बीच में बोलो, किसने पिया, भगवान शंकर ने पिया। क्या पिया, अमृत। जो अमृत पान करता है वही जहर को पचा सकता है, और जो अमृत पान नहीं कर सकता है वो कोई भी जो है जहर को पचा नहीं सकता है। जहर को पचाने की सामर्थ्यता अमृत को पान करने वाला। अब अमृत क्या चीज है, शास्त्रों का मंथन किया, शास्त्रों का मंथन करते 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 बहुत सारे मंत्र निकले, कोई एकादश अक्षरा मंत्र, कोई अष्टाक्षर मंत्र, कोई द्वादशाक्षर मंत्र, कोई षडाक्षर मंत्र, कोई जो है 16 अक्षरों वाला मंत्र, कोई पता नहीं कितने कितने अक्षरों वाला मंत्र निकला।
अब जब मंत्र निकले मंथन करते करते महाराज सबने जो है मंत्रों को लूट लिया। अरे मंत्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। तो महाराज उन मंत्रों को सारे ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं ने सबने लूटना शुरू कर दिया। लूटते 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 महाराज खजाना खाली हो गया। और बाद में फिर समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन करते करते केवल दो अक्षर निकला। क्या निकला? दो अक्षर निकला। बताओ इस मंत्र को कोई लेगा? सबने कहा रहे ये तो सबसे तुच्छ है, सबसे छोटा है। अरे हमने तो 1,00,000 अक्षरों वाला मंत्र लिया, हमने 10,000 अक्षरों वाला मंत्र का जप किया है, हम जो है इतने अक्षरों वाला मंत्र लिया, हमने इतने अक्षरों वाला मंत्र लिया है, पर इस छोटे से दो अक्षर वाले मंत्र को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और आपको पता है भगवान शंकर ने कहा कि जब कोई स्वीकार नहीं करता इस दो अक्षर वाले मंत्र को, मैं स्वीकार करता हूं। और उस दो अक्षर वाले मंत्र को किसने स्वीकार किया? भगवान शंकर ने स्वीकार किया। ऐसा भी कहा जाता है कि रामायण को लेकर विवाद हुआ देवताओं में, मनुष्यों में, नाग देवताओं में, सब में आपस में विरोध हुआ कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। सतकोटी रामायण गाई, क्या सतकोटी रामायण गाई, 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को गाने वाले वाल्मीकि जी की उस रामायण का बंटवारा हुआ। रामायण का बंटवारा हुआ तो आप विचार करो कि कितने चले गए, 100 करोड़ में से 33 करोड़ चले गए, पीछे कितना बचा? बोलो 1 करोड़ बचा। अब 1 करोड़ का और 3 भाग कर दो, 33 लाख गए, पीछे कितना बचा? 1 लाख। फिर 1 लाख का और बंटवारा कर दिया, 33,000 चले गए, पीछे कितना बचा? 1,000। फिर 1,000 का महाराज अब मंत्र किया साहब, तो 300 चले गए, पीछे कितना बचा? 100। अब 100 के भी 3 भाग कर दो, 33 चले गए, पीछे कितना बच गया? 1 बज गया साला। 2 होता 3 होता तो समझ में आती, अब 1 मंत्र बच गया। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में व्याकरण ही जानते हैं, ये शास्त्री जी बहुत अच्छे से जानते हैं, अनुष्टुप छंद जो है 32 अक्षरों वाला। क्यों मारा? सही है ना? कितने अक्षरों वाला मंत्र होता है, श्लोक होता है? 32 अक्षरों वाला। अब लेने वाले कितने? 3। अक्षर कितने? अब 11 11 बांटे तो 33 होते हैं, लेकिन है कितने? अब 32 ही है, 1 का घाटा हो गया, इसलिए 10 10 बांट दिया, पीछे कितना बचा? 2 अक्षर। वो 2 अक्षर जो है भगवान शंकर ने कहा मैंने दलाली का काम किया है, तुम लोगों का मैंने निपटारा किया है, ये 2 अक्षर मुझे दे दीजिए। सब सबने कहा कि महाराज ये 2 अक्षर क्या है जो सबसे तुच्छ है, निकृष्ट है, क्योंकि सब बड़े बड़े, हम 1,00,000 अक्षरों वाला, हम 1,000 अक्षरों वाला, हम 16 अक्षरों वाला, हम 8 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करें, पर 2 अक्षर वाले क्या है? वो है राम महामंत्र। पीयूष पाताल न पाइये, पीयूष चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइयो, अमृत सदगुरु पास। वो अमृत कहाँ है? सदगुरु के पास है। और वो अमृत क्या चीज है? राम जी का नाम है, राम भजन ही अमृत है, इस राम भजन से बढ़कर के कोई अमृत नहीं है। तो विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं इस सारे के सारे अमृत को केवल केवल भगवान शंकर ने ही पिया है, इसलिए इस जहर को लेकर उनके पास में जाओ। अब देखते हैं कि अमृत का प्रभाव प्रभावित करता है या जहर का प्रभाव प्रभावित करता है। और वह ये कि भगवान शंकर के पास में जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के, जहर का कलश लेकर के गए, तो महाराज रा अक्षर उच्चारण करके और उस जहर को कंठ में उतार लिया और कंठ नीला नीला हो गया, जिससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ और मां कहकर के बंद कर दिया। उस राम नाम के अमृत के प्रभाव से भगवान शंकर ने क्या किया? उस जहर को भी पचा लिया। तो भैया जहर को पचाने की सामर्थ्यता किसमें है? राम महामंत्र में है। और उन्हीं राम महामंत्र को महापुरुषों ने अपने जीवन में आत्मसात किया। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष। रामचरण जी महाराज कहते हैं देखो मैं तुम्हें मंत्र नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमारे राम स्नेही संप्रदाय का प्रादुर्भाव
दरियाव जी से भी नहीं हुआ, हरिराम दास जी से भी नहीं हुआ, रामदास जी से भी नहीं हुआ, रामचरण जी महाराज से भी नहीं हुआ। अरे राम से संप्रदाय का प्रादुर्भाव तो भगवान शंकर से हुआ है, जो भगवान शंकर ने अनादि काल में जो है राम 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 का उच्चारण किया है। शिव जी निस्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। स्वामी भगवान दास जी महाराज की आरती का गान करते हैं तब उसमें भी यही आता है क्या, मध्यलोक शिव करत उचारा है, मध्यलोक शिव करत उचारा। तो इस मध्यलोक में कौन निवास करता है, भगवान शंकर, और वो निरंतर जो है र का उच्चारण करने वाले हैं। वहां अलग है और नीचे नाग देवता लोग है, लेकिन भगवान शंकर जो है अनादि काल से जो है इस राम महामंत्र का जाप करने वाले हैं। उस राम महामंत्र का जाप करने के कारण स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं कि ये मैंने जो मंत्र दिया है, ये भगवान शंकर और शेषावतार ने जिस तरह से राम नाम को जपा है और हमारा उद्धार किया है, और वही मंत्र हम सबको उद्धार करने वाला है। इसलिए राम नाम से बढ़कर हमारे जीवन में कोई साधन नहीं है, इसे हम दिन रात जपते रहें, जान अनजान में भी कैसे भी जपें, उसमें कोई दोष नहीं है। पर राम का नाम जो है हमको भवसागर से तारने वाला साधन है। क्या कहा, जान अजान परे पग पावक सो सत मान जरे ही जरेंगे, जाने अजान छोरे छे व्यापार समेल विकार हरे ही हरेंगे, जाने अजान पीवे कोई अमृत जा सके सो कटरे ही टरेंगे, जाने अजान रटे नित राम को राम चरण तिरे ही तिरेंगे। अग्नि का प्रभाव क्या है, जलाना, चाहे आप महिमा जानो चाहे न जानो। अमृत का प्रभाव क्या है, अमर करेगा। पारस का प्रभाव क्या है, लोहे को सोना बनाना। ठीक इसी तरह से महापुरुषों का जो नाम है, भगवान का जो नाम है, वो राम का नाम क्या है, हमको भवसागर से तारेगा, निश्चित रूप से तारेगा। इतना ही नहीं, मिटे अग्नि सुशीत मिटे तिम दीपक किया, मिटे भूख भोजन खाए मिटे तृष्णा जल पिया। भोजन करने से भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, पंखा करने से महाराज गर्मी शांत हो जाती है, दीप प्रज्वलित करने से अंधकार भाग जाता है, अग्नि प्रज्वलित करने से महाराज जो है ठंड भाग जाती है। ऐसे भगवान नाम का उच्चारण करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी दूषित कर्म है वो सब के सब भाग जाते हैं। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रचना रटो तो कर्म सकल जड़ जाए। सारे कर्म जड़ जाते हैं, ये नहीं कि केवल पाप पाप जड़ जाते हैं, अरे पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। क्या पाप हमारे जीवन में श्रेष्ठ है, नहीं है ना, इतना तो आप समझते हैं। तो क्या पुण्य भी श्रेष्ठ है क्या, हैं? अच्छा भाई, पुण्य को चाहने वाले कौन कौन है। मैं तो यहाँ ये बात कर रहा हूं कि पाप भी खत्म हो जाए और पुण्य भी खत्म हो जाए, दोनों ही खत्म हो जाए, दोनों ही दुखदायी है। क्योंकि पाप को इकट्ठा करने वाला नरक में जाएगा और नरक को भोगने के बाद में गधे कुत्ते घोड़े बनना पड़ेगा। ये तो सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, कांच में दिख रहा है। पर पुण्य को अर्जित करने वाला कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। वो स्वर्ग में कब तक रहेगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः पतंती पता नहीं च, वापस धरती पर धकेल दिया जाएगा। फिर क्या बनोगे, गदान कुत्तान घोड़ा ही बनेगा। अबे राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति किसी के घर बाद में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद में किसी के यहाँ चपरासी पढ़ना काम करें तो ये शोभा है क्या, नहीं है ना। अरे चपरासी का काम करते करते कोई राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गया तो उसकी शोभा है ना, उसकी महिमा है। पर राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के बाद, उससे भी निवृत्त होने के बाद किसी के यहाँ चपरासी का काम करें, ये शोभा नहीं देता है ना। तो ऐसे ही स्वर्ग पाने के बाद वापस धरती पर पड़े गधे कुत्ते घोड़े बने, अपने एड़ा काम करना ही क्यों। अजा अबार महाराजा गसिंह जी ने जान को कि महाराज ने 1,00,000 रुपयो है और लो 1,00,000 रुपयो और मारे जितनी भी फैसिलिटी उम्मीद पहले इसलिए मायने वह सगली फैसिलिटी मन दे दो,
वाह सर ठीक है, थाने मिल भी जाए, लेकिन कब तक मिली? 1,00,000 रुपये तब तक मिली, और 1,00,000 रुपये खत्म हुआ वेट थाने ठोकन बार काट जब रटो अटक ही मांगो। हाँ चेकआउट टाइम, चेकआउट टाइम 12 बजते ही थाने बारे निकाल दे। ऐसे ही स्वर्ग में हाल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य सुख भोग लो। यहाँ तो भले 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, वहां भले 1,000 स्टार होगा, पर वापस आना पड़ेगा। इससे अच्छा है, सब महापुरुषों का एक ही कथन है कि राम भजन ही एक ऐसा साधन है जो हमारे पाप और पुण्य दोनों को खत्म करता है। एह चहन दर्शियां बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण एक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। इसलिए राम भजन से बढ़कर हमारे जीवन में कोई साधन नहीं है। दिन रात उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते राम 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 का स्मरण करें। महापुरुषों ने जो भजन की विधि बताइए, उन विधि का हम सहज अवस्था में आकर के उसका हम दिन रात भजन करते रहें और अपने जीवन को संवारते रहें। इसी में हमारा सबका कल्याण है। मैं प्रकाश जी का बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। बहुत सारे संतों को यहाँ आमंत्रित किया, सभी संत अपनी अपनी बारी में जो जो कुछ भाव बने वो आप सबके सामने व्यक्त कर रहे हैं। मैं प्रकाश जी के माता जी और पिताजी को दोनों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करके और वाणी जी का पाठ किया, सुखराम जी महाराज की वाणी जी का पाठ हुआ वो भी उन्हीं को समर्पित हो, और इन संतों की वाणी जो भी है वो भी उन्हीं को समर्पित हो, और प्रकाश जी का और इनके पीछे का पूरा परिवार जो है संतों के प्रति और वाणी जी के प्रति इसी तरह से प्रेम बना रहे और ये परंपरा चलती रहे, और आप सबके प्रति मंगल कामना, और आज नए वर्ष की बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। आज 2075 का ये लगा है और इतने सारे संतों के दर्शन हो गए, यानी कि हमारा 2075 का तो बैटरी चार्ज हो गई। क्या हो गई? बैटरी चार्ज हो गई भाई। संत दर्शन हो गए और कानों से वाणी सुनने को मिल गई संतों की, और हाथों से सेवा करने का अवसर मिल गया, तो फिर हमारी बैटरी चार्ज अब नहीं होगी तो कब होगी, है ना? इसी तरह से ऐसे ही कार्यक्रम करते रहो और कराते रहो, और पूरी भाटी बस्ती को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। मैं अब आगे प्रेमदास जी महाराज से, श्यामा भाई जी से मैं आग्रह करूं कि वे आओ और हमें मीठी मीठी कोयल वाणी से आनंदित करो।